ये देखो देखो आशीष आशीष पीछे हेलो हरीश जी हरीश चौधरी जी हरीश सर हेलो हेलो सबसे पहले सब तो पहला थोड़ू सारे नु बेनती है कि आराम नाल बैठो। कांग्रेस पार्टी सारी संगत नु बेनती है प्लीज आराम नाल बैठो। जो प्रोग्राम का मकसद है आपा उस प्रोग्राम के मकसद नु पूरा करन वास्ते काम कर सकीए। सारे नु बेनती है कि प्लीज आराम नाल बैठ जाओ। हेलो सब तो पहला मैं सरदार तलोचन सिंह सून साहब नूं बेनती करांगा कि वो आके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दी फोटो आके बॉस नूं प्रेजेंट करन। हुण मैं बेनती करदा सरदार युवराज सिंह जी नूं कि वो आके शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की फोटो आके भेंट करन। कॉन्स्टिट्यूशन वास्ते सारे नूं बेनती करदे आं रजिंदर शर्मा जी मनजिंदर मोहन जी हरबंस सिंह जी दरबजीत सिंह जी ते कीमती सद्दी जी कि आके कॉन्स्टिट्यूशन दा एक छोटा जिहा प्रीएम्बल सर नूं पेश करनगे। सारयां नूं बेनती है कि जिथे जिथे मेरे नौजवान वीर खड़े हैं प्लीज जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ। नहीं पंडाल का जिहड़ा कनात है उहदे नेड़े जाके लाइन च लग जाओ ताकि लोगों का व्यू ऑबस्ट्रक्ट ना होवे। अज अपने सब दे सत्कारयोग नौजवान लीडर इस देश की गरीबां की आवाज जिस इंसान ने पूरे हिंदुस्तान दे 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश दे लोगां दी तकलीफ नूं समझण वास्ते इस देश दे विच आने वाले समय च किस तरह की सरकार होवे और संगत किस किस गल तो पिछले 10 साल की बीजेपी की सरकार तो जूझ रही सी उस मुद्दियां नूं गरीबां नाल किसानां नाल मजदूरां नाल भैणां नाल भरावां नाल देश दे कोने तो लैके दूजे कोने तक जिस नौजवान ने मेहनत कीती लोगां दीआं भावनावां नूं समझ के अज कांग्रेस पार्टी का चोन मनोरथ पत्र बना के देश दे सामने रखिया। मैं सब तो पहला थोड़े सारे वालों राहुल गांधी जी नूं इस पवित्र धरती ते पहुंचण ते जी आया आखदा। तुसी सारे जानते हो कि चोन चल रही है। बहुत सारे लोगों ने चोन दो तीन महीने लंबी चलाई कि शायद तीन महीने लंबी चोन चलाने नाल फायदा हो जाए। अज मैं थोनू कहना चाहना
देश दे विच राहुल गांधी जी ने ते समुची कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चले, चोन दी कैंपेन चली, रोड शो चले, हर तरह की प्रचार चलिया, अड अड मुद्दे लोगों के नाल डिस्कस होए। साथियों ने अज सब तो वड्डी गल है कि अज साडे असी सारे एकत्र होए हैं, अज भावे सारा चोन प्रचार हिंदुस्तान दे विच खत्म होने आया है, अखीरला पैड़ है। तुसी सोचोगे कि अज राहुल गांधी ने आके साथ ला ली। ओ मेरे भरावो, अज आपां अपने सारे लोगों ने मिल के इस देश के संविधान नू बचाउणा है, जिस दे उपर सारा चोन प्रचार देश का खड़ा है, जिस दे पिछे आने वाला भविख खड़ा है। और तुहानू सारयां नू पता है जदों देश आजाद होया सी, अज राहुल जी एक पवित्र धरती है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की धरती, जिन्होंने इस देश की आजादी वास्ते बहुत सारे लोगों नाल मिलकर अपनिया कुर्बानियां दित्तियां, शहादत दित्तियां, ता जाके देश आजाद होया सी। और देश जदों आजाद होया और आजादी तो बाद एक संविधान बनया, जिस संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिता, और पिछले 74 साल तो आपा लोग उस संविधान की दा आनंद मान रहे हैं। और तुसी सारे ये भी जानते हो कि जिहड़ा संविधान है इस दे तहत ही सानू सारयां नू वोट पाण दी ताकत मिली है। और जे तुसी देखदे हो सरपंच बनाउणा है, MLA बनाउणा है, MP बनाउणा है, जे कोई ना काम करे आपां 5 साल बाद उहदी बदल कर दिंदे हां। अज मैं तुहानू सारयां नू कहना चाहुंदा, जे अज साडे कोलों 1 तरीक नू गलती हो गई ते असीं संविधान नू कमजोर करन वाली पार्टी नू ताकत देती, तां मैं समझदा कि शायद सारी उम्र आपां नू दुबारा वोट पाण दा मौका ना मिले। सो अज जरूरत है संविधान नू बचाउण दी, अज जरूरत है साडे वोट दे अधिकार नू बचाउण दी, साडी जुबान नू बचाउण दी, साडे नौजवान बच्चों के कारोबार नू बचाउण दी, उहनां दे रोजगार नू बचाउण दी। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहिंदा होया, राहुल जी यह बहुत बड़ा इलाका है श्री आनंदपुर साहब का, जिथे तुसीं मैनू आशीर्वाद दे के भेजे, और पिछले 1 महीने तो इस सारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान ने मैनू इतने हाथों से चक के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वास्ते, इस इलाके चो थानू ताकत देने वास्ते बहुत सारा मेरा साथ दिता है। जिस तरीके से जैसे आपने मुझे 2009 में संगरूर में छोड़ा था, और फिर मेरी आपने बाजू पकड़ी, और मैंने लगातार 12 साल संगरूर में काम किया, ईमानदारी से किया, अच्छे तरीके से किया, उस क्षेत्र के लोगों को हर वो सुविधा दिलाने की कोशिश की जो आपके माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिलता रहा, और वहाँ पे अस्पताल बने, आपने उद्घाटन भी किया, वहाँ पे बच्चों के खेलने के बड़े स्टेडियम बने, सड़कें बनी, स्कूल बने, हर चीज बनी। और आज पार्टी ने और आपके आशीर्वाद ने, खड़गे साहब के सहयोग ने मुझे आज यहाँ पर भेजा है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहेगा, इस देश की सरकार दे विच तुसी मुरे होके पैरवाई करोगे, आने वाले समय च श्री आनंदपुर साहब हल्के नू इस पंजाब दा देश दा एक नंबर दा इलाका बना के थोड़े रखांगे। सो मैं ज्यादा कुछ ना लैंदा होया, ज्यादा समा ना लैंदा होया, मैं थोड़े विच ते राहुल गांधी जी दे विच ज्यादा समा नहीं लेना, क्योंकि मैनू पता है तुसी अज इन्हां नू सुनना चाहते हो, मैनू तुसी 1 महीने तो सुन रहे हो, और मैं उम्मीद करदा हां कि आपां सारे मिल के संविधान नू बचाउण दी जोश नाल आपां काम शुरू किया है, उहनू आने वाले समय च पूरा करके इस देश दे विच राहुल गांधी जी नू पार्लीमेंट दे विच लीडर बना के भेजांगे। इन्हां बेनतियां करदा होया थोड़ा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सिंगला जी। भगत सिंह जी की पवित्र भूमि पर आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहां गर्मी में आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका यहां स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है,
इस चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब सबसे पहले ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये संविधान आजादी के टाइम बना था, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि इस संविधान में जो सोच है वो आजादी से बहुत पुरानी सोच है, वो गुरु नानक जी की सोच है। उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग महापुरुषों की सोच है, फूले जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बुद्धा की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, अलग अलग महापुरुषों की सोच इसके अंदर है। और जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है। और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ ये काम पूरा करेंगे। शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए, ये बिल्कुल सच है, मगर ये नहीं कहा जाता कि वो एक बहुत गहरे पॉलिटिकल थिंकर थे। और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच संविधान में रिप्रेजेंटेड है। तो इसीलिए मैं यहां आया हूं आपसे कहने कि जो भी हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को, किसानों को, जो भी मिला है, जमीन का हक हो, रिजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी मिला है इस किताब के माध्यम से मिला है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर इस पर आक्रमण कर रहे हैं। आपके सवाल हो, दो तीन सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, पूछिए प्लीज, मैं आपके जवाब देता हूं। एक सेकंड माइक दे देंगे आपको, कौन कौन सवाल पूछेगा, यहां से पूछेंगे, बोलिए बोलिए। अब बोलो, पूछो पूछो। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। बेनती है आप, तुसी असी थानू कामयाब बनावांगे। नरेगा वाली बीबिया की 400 रुपया दिहाड़ी होने चाहिए आ, बच्चे साडे भुखे मरते आ, उन्होंने नौकरियां दवो, उन्होंने बच्चों की जिंदगी ज्यादा खराब हुई हो, नशे तुसी बंद कराओ। देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी समझ जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई है, अरबपति बनाने का काम किया है। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेगा। हमने ये कह दिया है, हम इसको कर देंगे। दूसरी बात, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आमदनी है, हमें लगता है कि वो बहुत कम है, 4 जून के बाद उसको भी हम दुगना कर देंगे। और आखिरी बात, सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में नया फैशन बना है कि मजदूरी टेम्प्रेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करी जाती है। हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो
तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना करे, वो परमानेंट बेसिस पे काम करे, उसे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पेंशन मिले। तो ये भी हम करने जा रहे हैं सरकारी ऑफिसेज में और पब्लिक सेक्टर में। हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं और परमानेंट जो पहले होता था परमानेंट नौकरी हम फिर से दिलाने का काम करेंगे। जहां तक आपने ड्रग्स की बात कही है, ये बात सबसे पहले मैंने यहां पंजाब में आकर उठाई थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पंजाब से ये जो ड्रग का मैनेस है इसको मिटाना है, और इसमें कांग्रेस, ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी जो आने वाली है, तब हम इसको बिल्कुल तेजी से मिटा देंगे यहां से। वो तो आएगी आएगी आएगी। धन्यवाद। बैठिए। मैं ज्ञान चंद एक आम आदमी हाँ, मैं लक्कड़ का काम करता सी। आज तो 10 साल पहला बहुत बढ़िया काम चलता सी। आज हालात ये हो गए कि सारे असी घर के रोटियों बाजार हो गए। मेरे ख्याल है कि मेरे वर्ग के थोड़े भी बहुत सारे बच्चे आ जेड़े घर डिग्रियां करके बैठे आ, कोई MBA कोई BCA कोई कुछ करके बैठा, किसी नूं कोई काम नहीं, कोई ऐसा इलाके च फैक्ट्री नहीं। बहुत लोग दुखी आ, महंगाई इन्नी हो गई, जरा सिलेंडर 350 का सी अज 1200 का हो गया। हुण मोदी साहब ने सारा 100 रुपया घटा के मैनूं लगता 1500 का फिर करने नूं फिरदा। तुसीं बिल्कुल मोदी नूं वोट नहीं पानी, वोट साढ़े आ प्रधानमंत्री का जो हकदार आ इन्हां नूं वोट दिओ तां कि इन्हां नूं वोट प्रधानमंत्री बनाइए, तां कि असीं अपने हक लईए। ये आपने जो बोला ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है, और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, हाथ से जो काम करते हैं, उनको सबको खत्म कर दिया है। दो तीन तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी जैसे लोगों को दिया है। अब अदानी जैसे लोग जो हैं, जब ये इनको पैसा देते हैं तो ये पैसा हिंदुस्तान में खर्च नहीं करते हैं, ये पैसा अमेरिका में जाके, जापान में जाके, दुबई में जाके ये लोग खर्च करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होता, पहली बात ये है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को मारने के लिए गलत GST और नोटबंदी की। मीडिया कहता है कि नोटबंदी और GST से देश को फायदा हुआ है, मगर सच्चाई ये है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नोटबंदी और GST ने हिंदुस्तान का नुकसान किया, और खासतौर से जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको खत्म किया। अब देश में रोजगार छोटे बिजनेसेस देते हैं, अंबानी जी देश को रोजगार नहीं देते, अदानी जी रोजगार नहीं देते। तो मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूं, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले किसानों को हम गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए नहीं 400, आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस महिला को हर महीने 8,500 रुपए ठका ठक अंदर, साल के 1,00,000 रुपए। तो करोड़ों महिलाओं को हम साल का 1,00,000 रुपए देंगे, और वो उस दिन तक मिलेगा जब तक वो गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। तीसरी बात, पहली नौकरी पक्की स्कीम। आपने ग्रेजुएट्स की बात की, आपने इंजीनियर्स की बात की। हिंदुस्तान में मोदी जी ने इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को कहा कि आप लोग पकौड़ा बनाओ। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां एक युवा मिला, सिविल इंजीनियर, वो कुली का काम कर रहा है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसको हल करने के लिए पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। दूसरा काम, पहली नौकरी पक्की, एक साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, BHEL, HAL जैसे कंपनीज में, इंडियन ऑयल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां मिलेंगी। ये नौकरी का अधिकार होगा, तो कोई भी युवा एक साल का अधिकार मांग पाएगा। सरकार को देना ही होगा, महीने का 8,500 रुपए, साल का 1,00,000 रुपए, खटाखट 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 अंदर। अब मैं जानता हूं कि ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। जब अदानी को पैसा मिलता है, अंबानी को पैसा मिलता है, तो ये कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और जब गरीबों की जेब में पैसा जाता है तो ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। तो मैं इनको मैसेज देना चाहता हूं, आपको जितना बोलना है बोलो, ज्यादा बोला तो 1,00,000 के 2,00,000 कर देंगे। तो हमारा आइडिया क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत GST लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनके जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। हमारा एक और लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य, हम क्या करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अदानी जी को पैसा दिया, अदानी जी ने इसको विदेश में खर्च किया, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस पैसे को यहीं खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, हिंदुस्तान में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करना शुरू करोगे, कैसे खर्च करोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदना शुरू करोगे, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू कर देंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सोच है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करें। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल निकाल दिया गाड़ी से, आपके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, सबके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, और वहां बैठे चाबी घुमा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसीलिए हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, और हम लाखों करोड़ रुपए डालेंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, छोटे व्यापारियों को देंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। उसके बाद जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे, गड़गड़ गड़गड़ गड़ स्टार्ट हो जाएगा, खटाखट 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 इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले फटाफट 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 नरेंद्र मोदी को आउट कीजिए। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, और इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी, और रोजगार युवाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। मगर ये सब नहीं हो सकता अगर इसको मिटा दिया गया, अगर ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आजादी से पहले जो होता था वो होगा, दलितों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, पिछड़ों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई अधिकार नहीं होगा, गरीब लोगों को कुचला जाएगा, किसानों को परे कर देंगे, मजदूरों को बंधा बिल्कुल बांध देंगे। तो ये इसको बचाना सबसे जरूरी है, और इसको अंबेडकर जी ने दिया, पूरी जिंदगी दी उन्होंने, गांधी जी ने पूरी जिंदगी दी। हमारी जो आजादी की लड़ाई थी, उसको आप आजादी की लड़ाई कह सकते हो, मगर सचमुच में वो संविधान की लड़ाई थी, इसके लिए वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये मैसेज देना चाहता हूं आपको कि ये सपना देख रहे हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी, कि हम संविधान को रखते जाइए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड बोल रहा हूं मैं। तो ये सपना देख रहे हैं कि हम एक बार फिर जैसे आजादी के पहले चलता था वैसे चलाएंगे, पूरी की पूरी सरकार अदानी जी के लिए चलाएंगे, एयरपोर्ट उनको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। आपको मालूम है अग्निवीर क्यों लागू किया? आप जानते हो अग्निवीर क्यों आया?
जानते हो? मैं आपको बताता हूं, डिफेंस बजट में या आप हथियार खरीद सकते हो या फिर आप जवानों की देखभाल कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिए। आप इंटरनेट पे जाइए, पहले हिंदुस्तान की जो राइफल थी वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, कारतूस जो थे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, हवाई जहाज HAL बनाता था। आज अगर आप जाएंगे अदानी डिफेंस को देखिए, इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, अदानी डिफेंस हिंदुस्तान की राइफल बनाएगा, सारे कारतूस बनाएगा, सारे शेल्स बनाएगा, सारे फील्ड गन्स बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा, सारा का सारा अदानी डिफेंस बनाएगा। पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री अदानी जी को पकड़ा दी है, इन लोगों को पकड़ा दी है, पब्लिक सेक्टर को परे कर दिया है। और फिर कहते हैं कि हम दो तरीके के जवान बनाना चाहते हैं, मतलब पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये तीन कानून लाए किसान वाले, इन्होंने इनकी कोशिश थी किसानों को मजदूर बना दो। अब इन्होंने नई चीज की है, अग्निवीर योजना में जवानों को मजदूर बना दिया है। सही बात है ना, कि आप आओ, आप यहां 3 साल काम करो, उसके बाद जूता मार के आपको बाहर भगा देंगे। दो तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा, एक अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगी, परिवार की पूरी रक्षा होगी और उसको फुल ट्रेनिंग मिलेगी। और गरीब घर के बेटे को कहते हैं कि भैया आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, चाइना के सामने खड़ा कर देंगे, चाइना के जो सैनिक है उनको 5 साल की ट्रेनिंग होगी, आप उनसे लड़ोगे, आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, उनकी 5 साल की ट्रेनिंग, नतीजा सबको मालूम है। और जब आप शहीद हो गए तो हम आपको ना शहीद का दर्जा देंगे, ना कॉम्पेंसेशन देंगे, ना आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे। तो दो तरीके के शहीद बना दिए हैं, एक अमीर घर का बेटा, दूसरा गरीब। और गरीब वाले से कह रहे हैं कि भैया आपको 3-4 साल बाद निकाल देंगे, पेंशन नहीं देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये सेना का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है, आर्मी का अपमान है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला काम होगा अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तरीके का शहीद चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो, शहीद भगत सिंह जी जैसे, उनकी रिस्पेक्ट है, सब लोग इज्जत देते हैं। यहां पे अभी म्यूजियम बनाया, स्टैचू बनाई, स्मारक बनाया, हर शहीद की ऐसी इज्जत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं एक अग्निवीर से जाके मिला, अग्निवीर के परिवार से जाके मिला जो शहीद हुआ, अभी उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिली है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसको देश भूल गया है। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हम इसको फाड़ के फेंक देंगे। जैसे पहले हुआ करता था, जवान मजदूर नहीं होगा, जवान जवान होगा और जवान को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। धन्यवाद। हेलो सर, मैं वॉलीबॉल इंडिया नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ जी, तो पंजाब दे विच बहुत नशा बढ़ गया, तो नौकरी भी नहीं मिलती पी, तो पंजाब नू गोल्ड सिल्वर सब कुछ देख लिया दबा के, तो सरकार नहीं कुछ कर रही। तो 23 ईयर मेरी ओल्ड जीयर्स हो गया, तो बाकी स्कूल वाले तो कॉलेज वाले वजीफा कोई नहीं दे रहे, तो बस यही धक्का चल रहा पूरा, तो लड़ रहे हैं पंजाब के नाल, पूरा मैडल भी दवा रहे हैं, ऑल इंडिया नैशनल सब खेड रहे हैं, तो मैडल भी है अपने को, तो बट फिर भी इतने रोल रहे हैं सड़कों के हाथ। अच्छा लगा आपसे। तो इसी चीज़ को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहली नौकरी पक्की स्कीम ला रहे हैं, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और आपके जेब में हम पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रिजर्वेशन की बात उठाई, देखिए हिंदुस्तान में
50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का है, हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे। आप सब आए, गर्मी का समय है। हाँ एक है, अच्छा सत्कार योग साथियों, जवान दे मैं दूसरी बारी दर्शन कर रहा, एक बार मौका मिला सी आदमपुर की धरती ते, अज शहीद आजम भगत सरदार भगत सिंह जी जिन्होंने इस धरती नू अपने खून नाल सिंचिया, उस धरती ते इस जवान का मैं दर्शन कर रहा। इन्हां दे दादी माँ की जो कारगुजारी सी वो तो असी बड़े प्रभावित सी, कोई गरीब नहीं सी रुलदा, हर बन का हक मिलता सी, गरीबां नू नौकरियां मिलदियां सी, गरीबां दे बच्चे स्कूलां विच वजीफे मिलते सी, उन्हां नू किताबां फ्री मिलदियां सी। ते अज देखो भी की हो रहा, अज साडे बच्चे पढ़े लिखे आ, एम ए बी एड आ, उन्हां नू नौकरियां नहीं मिल रही। साथियो मैं एक बहुत ही छोटे जिहा गरीब परिवार विच उठिया, तो मैं तो अपने आप नू भागाशाली समझदा कि जिन्हां पिंडां दे विच कदी फसल नहीं सी हुंदी, जिला नवांशहर दा उदों साडा जिला जलंधर हुंदा सी, ते उत्थे कदी सरदार प्रताप सिंह जी कैरों मुख्यमंत्री बने पंजाब दे, उन्होंने बेई कढवाई, धरती आबाद हो गई, सेम चक्की गई। अज सज्जनों साडे पिंडां दे विच 25-25 क्विंटल कणक ते 35-35 क्विंटल झोना निकल रहा, पर दुख की गल ये पंजाब दे लोक मेहनती ईमानदार आ, पर जिहड़े साडे ना राजे आ, पहला परजा राजे दे वेले सुखी हुंदी सी, अज परजा दुखी आ। मैं राहुल जी थानू इको बेनती करनी चाहुंदा, इन्हां पंजाब दे लोकां नू ना भुल्यो, ये तुहाडे नाल खड़े आ। कहणियां तुहाडा इस धरती ते आउण ते धन्नवाद, दिलों धन्नवाद करदा जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो, तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आखिरी बात कहना चाहता हूं, 10 साल आपने हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री दिया, मनमोहन सिंह जी दिए, और उन्होंने देश को, अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाया था। तो पंजाब का रोल रहा है हिंदुस्तान को चलाने में, आप हिंदुस्तान को रास्ता दिखाते हो, आप देश को भोजन देते हो और देश को डायरेक्शन देते हो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये तो आक्रमण बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आप पर कर रहे हैं, संविधान पर, पंजाब पर, इसको आप रोकिए और भारी बहुमत से यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सिंगला जी को आप जिताइए। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। हेलो, एक मिनट, सरोपा की सरोपा पेटकर वाली अजय मंगूपुर जी, कुलवंत सिंह जी, रणधीर सिंह जी, ते फारक किरपान वास्ते राणा केपी सिंह जी चेयरमैन कैंपेन कमेटी। आओ आंटी, आंटी ना ले।
सरोपा देना भैया. Now you have to make him win. Thank you. राणा एक मिनट मैं करा जी, एक मिनट एक मिनट मैं कर दा राणा के पी जी एक सरोपा भेंट करा. ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ.